मेरा नाम जफर है और मैं बॉबी को लास्ट 6 to 7 years से मैं जानता हूँ। 7 साल से बहुत स्ट्रगल कर रहा है, फिर ऑफिस उसके धक्के खाना, प्रोड्यूसर्स इंसल्ट कर दिए थे, क्या तू क्या कर सकता है, तो उसको शायद वो बहुत हर्ट किया था कि ये भगवान ने नेचर ने जब आपको ऐसे बनाया है तो उसमें तो आपकी कोई फॉल्ट नहीं है। एंड द पेरेंट्स जिसने आपको जन्म दिया जब वो ही आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर आप कहाँ जाओगे। मैंने सुसाइड भी कमिट करने का कोशिश किया था, आई हैड फुल फिनाइल बॉटल। जोश था उसके अंदर, तो बोले नहीं मुझे करना ही है कुछ, भले जो रूप जो मिला है उसको, जो जिस चीज़ में वो है, बोले मैं उस चीज़ को लेके आगे करूँगा। वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई कि रात को मैं 12 में डांस करती थी और दिन में मैं स्ट्रगल करती थी। संतोष सिवन ने मुझे जब कॉल किया, उन्होंने मुझे बोला कि फिल्म बना रहा हूँ और वो फिल्म है नवरस और वो फिल्म आप ही कर सकते हो, आपके अलावा वो कोई रोल नहीं कर सकता है। तो उन्होंने बोला उससे पहले एक शर्त है, चेन्नई में ये एक कॉन्टेस्ट होता है, अगर वो कॉन्टेस्ट के अंदर आप जीत गई तब हम लोग ये फिल्म करेंगे, नहीं तो आप नहीं। मैं वहाँ पर गई, मैंने बहुत ज़्यादा बोलते एक ह्यूमिलेशन जो और आम इंसान से भी ज़्यादा मैंने वहाँ पे सहा। दे ट्राई टू टच माई प्राइवेट पार्ट एंड हर तरह से उन्होंने मुझे बहुत तंग किया, बहुत हैरान किया, बट कहीं ना कहीं दिमाग में ये था कि मुझे ये करनी ही है फिल्म और ये कॉम्पिटिशन में मुझे जीतना है। वो सोच के मैंने सब कुछ वहाँ पे टॉर्चर सहा। लोग कमेंट तो पहले भी करते थे, अभी और ज़्यादा करने लगे। मुझे मालूम चला कि अनचंद्रा की स्टाइल फिल्म का वो कास्टिंग हो रहा है, वहाँ भी मुझे शुरू में उन्होंने जाने नहीं दिया अंदर। उसके बाद उन्होंने बोला कि क्या पिक्चर्स छोड़ जाओ, 3 दिन बाद ही उनके यहाँ से कॉल आ गया और फिर जर्नी जो है वो स्टार्ट हो गई। लेकिन वो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एक जुनून था अपने आप को साबित करने का, अपने आप को प्रूफ करने का कि नहीं मैं भी कुछ हूँ। जिद को पूरा करेंगे हम एट द बॉलीवुड क्लब कनेक्शन किस्मत का एट द अल्टीमेट। यहाँ पर हमारे 3 टैलेंटेड परफॉर्मर्स अपना टैलेंट दिखाएंगे हमारी टेलीविजन और फिल्म पर्सनालिटीज के सामने, एंड हु नोज किसे मिल जाए उनका वो लकी ब्रेक। तो चलिए मिलते हैं आवर गेस्ट फॉर द इवनिंग, द विजनरी बिहाइंड द सुपर सक्सेसफुल फिल्म लव स्टोरी 2050, बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर हैरी भवेजा। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग हियर। प्लेजर इज माइन। इट्स ग्रेट टू हैव यू ऑन बॉलीवुड क्लब। थैंक यू। आप जानते हैं कि हमारे जो 3 एस्पिरेंट्स हैं वो इस वक्त फूले नहीं समा रहे हैं कि उन्हें आपके सामने परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है। नहीं, आई थिंक ऐसा होता है कि इट्स माय प्रिविलेज टू बी हियर टू जज न्यू टैलेंट एंड सी दिस कॉन्सेप्ट ऑफ बॉलीवुड क्लब, जहाँ की एक डायरेक्ट एस्पिरेंट्स के साथ आपका इंटरेक्शन हो रहा है। जी, गुड प्लेटफॉर्म फॉर द होल इंडस्ट्री, फॉर द पीपल हु वांट टू बी एक्टर्स, स्ट्रगलर्स एज यू कॉल देम, एंड द फिल्म मेकर्स देमसेल्व्स। आई थिंक वंडरफुल आइडिया। आपकी बेटी ने हमें बताया कि आप बंबई कुछ 500 रुपए लेकर आए थे। True. 2 children, a wife and lots of big dreams. True. जो touchwood आज आपने पा लिए हैं, आप एक मकाम तक पहुंच गए हैं। लेकिन during your struggling days, जब आप कोशिश कर रहे थे, I think you started off as a clapper, as absolutely clapper boy. So, not even a clapper boy. मतलब कि clapper boy भी मुझे कहता था वहाँ खड़े हो जाए, मैं आए वहाँ खड़े होकर देखिए, अभी तक आपको clap भी नहीं मिलेगा। तो मुझे याद है जब पहली बार मैंने क्लैप दिया था शशि कपूर साहब के सामने, आंधी तूफान फिल्म बन रही थी, एंड आई हैड टू गिव अ पार्टी टू एवरीबॉडी बिकॉज़ दे सेड यू गिव योर फर्स्ट क्लैप। आप वैसे खुद यू नो यू हैव कम विदाउट अ गॉडफादर, आपने यहाँ पर सिर्फ अपनी परसिवियरेंस, अपनी मेहनत से इतना नाम, इतनी शोहरत कमाई है, साथ ही आपने कई सारे नए लोगों को भी ब्रेक दिया है। सो आपको कभी वो रिस्की लगा? डिड यू एवर डाउट कि एम आई मेकिंग द रॉन्ग चॉइस? No, because you see, someday, somewhere, sometime, even I was new. Yeah. Somebody did give me a break also. Yeah. So I think there's always that element that when you make it, it's payback time. That even you need to probably support the new talent because somebody did pick you up.
So I think many करीब I think over 15 people I have given break to in the form of actors, actresses, directors, writers, singers, so many people. And to name a few, Ashish Chaudhary, Neha Dhupia, yes, Sanjay F. Gupta, Rajesh Singh as a director, and many more. So there have been so many people that I have trusted as cameraman and so many fields, because I feel that everybody needs a chance. And if you can, with that little risk element that you just said, and somebody took a risk on you, well, then you better take risk on some more few people and make sure that more join the bandwagon. Thank you so much, sir. Thank you so much. तो आप हमारे आज के सेलिब्रिटी गेस्ट से तो मिल ही चुके हैं. अब इससे पहले कि मैं आपको हमारे आज के तीन टैलेंटेड परफॉर्मर से मिलवाऊं, चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक.